नमस्कार, मैं हूं मरहब अख्तर। डीडी टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सूबे की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर सेक्टर 11 के अंतर्गत आरएलबी पब्लिक स्कूल में एक्सपायर अवार्ड योजना अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा और श्री सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा परिषद के रूप में उपस्थित हुए। कई स्कूलों में भावी बच्चे आए और अपनी साइंटिफिक करतब को दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे कंपोनेंट बनाए रखे थे, जिसमें देख करके उनकी मेहनत का दिल मोहित हो गया और उन बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। इन बातों का सबसे बेहतर प्रदर्शन है उठ जेंडर, उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सिमेट्री निकालें, उसके सेंटर से हर किसी का एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो सेंटर होता है वो जीरो होता है। की प्रोग्रामिंग में भेजता है, फिर वो इस केबल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट भेजता है जो वेबकैम कनेक्टेड है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग के थ्रू जो ये यूएसबी कॉर्ड लगी है इसमें आर्डिनो से कनेक्टेड है, वो आर्डिनो इसको सर्वो मोटर्स को बताता है। सर्वो मोटर्स पर कनेक्टेड है दो सर्वो मोटर्स, एक इसके बेस पे जो इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कराता है एक वर्टिकली, और फिर वो ट्रैक करता है, ट्रैक करता है फिर उसपे अगर हम चाहे तो फायर कर सकते हैं। मैंने इस पर अलार्म का फीचर दिया है, अगर हम उसमें फायर ना करना चाहें तो हम उसको अलार्म देके वॉच कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इसको मेनली सोल्जर्स की लाइफ को और इजी बनाने के लिए, तो उनकी लाइफ पेट्रोलिंग करते हुए जाती है। तो नाम क्या है आपका? ध्यान सिंह। किस क्लास? क्या नाम है बेटा? ध्यान सिंह जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, ये गन आप ही बनाए हैं? जी, ये गन मेरा ही मॉडल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक है ना? इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, चलाकर जरा दिखाइए आप। नहीं लगने, आप बोले जाइए, बताते रहिए सब कुछ। तो और अगर हम चाहें, और हम लोग अभी पब्लिक से डील कर रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि किसी को हम पहुँचे, तो और ये बजर मैंने इंस्टॉल करा है जिससे कि अगर हम फायर ना करना चाहें और किसी को उससे वॉर्न करना चाहें तो इस बजर के थ्रू हम उसको वॉर्न कर सकते हैं।